मध्य प्रदेश की ये विधानसभा सीट तय करती है किस पार्टी की बनेगी सरकार, जाने कैसे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मंडला जिले की निवास विधानसभा विधायक बदला तो 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस। निवास विधानसभा के चुनाव परिणाम यह बताते हैं कि अब तो जिस भी दल का विधायक बना है प्रदेश में उसी दल की सरकार भी बनी है। यदि हम हाल के दिनों की ही बात करें तो जब लगातार 3 बार से भाजपा के रामप्यारे कुलस्ते विधायक बन रहे थे तो सरकार भी भाजपा की बन रही थी। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के राम प्यारे कुलस्ते को कांग्रेस के डॉक्टर अशोक मर्सकोले ने मात दी तो कांग्रेस के लिए 15 साल का सूखा खत्म हुआ और सरकार भी कांग्रेस की बन गई। यह अलग बात है कि कुछ महीने बाद सरकार किन्हीं कारणों से गिर गई, फिर भाजपा सत्ता पर काबिज हो गई। विधायक बदला तो 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस। निवास विधानसभा के चुनाव परिणाम यह बताते हैं कि अब तो जिस भी दल का विधायक बना है प्रदेश में उसी दल की सरकार भी बनी है। यदि हम हाल के दिनों की ही बात करें तो जब लगातार 3 बार से भाजपा के रामप्यारे कुलस्ते विधायक बन रहे थे तो सरकार भी भाजपा की बन रही थी। 1977 से चला आ रहा ऐसा, जब उमा भारती बनी मुख्यमंत्री, 3 बार लगातार जीती सीट, इस बार क्या होगा परिणाम। निवास को जिला बनाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे निवास जिला बनाओ संघर्ष समिति से संयोजक प्रदीप जैन कहते हैं कि यह महज संयोग नहीं बल्कि तथ्य है। निवास की जनता ने जिस दल को अपना समर्थन व आशीर्वाद देकर उसका विधायक बनाया है उसी दल की सरकार प्रदेश में बनी है। यह केवल इतिहास नहीं होगा बल्कि फिर हकीकत होगा और निवास से जिस दल का विधायक चुना जाएगा उसी दल की सरकार भोपाल में बैठेगी। हालांकि इसे सिर्फ इत्तेफाक भी कहा जा सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मिथक इस बार के विधानसभा चुनाव में भी कायम रहता है या टूटता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।